आजमगढ़ पूर्वांचल के एमएलसी यशवंत सिंह ने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट की सराहना की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार गरीबों के हित के लिए काम कर रही है और यह बजट भी गरीबों के हित में ही है। एक कार्यक्रम में शामिल होने आए एमएलसी ने सपा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के बीच हुई बहस पर कहा, अखिलेश यादव से इस तरह की निंदनीय टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी। आजमगढ़ के उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में यशवंत सिंह ने कहा, अभी सिर्फ बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, अभी अन्य किसी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। तो वहीं खुद के भाजपा में रहने के सवाल पर कहा कि अब इसका जवाब तो आलाकमान ही दे सकता है कि मैं पार्टी में हूं या नहीं। अभी तो केवल बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार आया है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों महत्वपूर्ण पार्टियां हैं इस लोकसभा की सीट में। जब तक उम्मीदवार नहीं आ जाते हैं तब तक कोई आकलन तो कोई ज्योतिषी कर सकता है, हम लोग तो नहीं कर सकते। आपको लेके अभी भी भ्रम बना हुआ है कि आप पार्टी के अंदर हैं या पार्टी के बाहर हैं? अभी इस भ्रम का निवारण तो आप पार्टी के आला कमान से ही पूछेंगे तो मालूम होगा। कल विधानसभा सत्र में जो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो भाषा अमर्यादित भाषा, ये इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो अपने उद्बोधन में कहा वो उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती और वह पहली बार यह गलती नहीं की है, पार्लियामेंट में भी इसी तरह उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD